हनली जी, नैंसी दीदी देने जा रही है गुड न्यूज। तो कल दीदी का बेबी बॉय या बेबी गर्ल कुछ भी जो भी हो सब आने वाला है। तो डर लग रहा है दीदी की एक्साइटमेंट किसका लेवल ऊपर है? मैं डर ही है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। सुबह सुबह आए हुए जी टहलने के लिए। जिया सारी कपड़े को फैला रही है। और कल कोई भी हमारा व्लॉग नहीं आया था। कल व्लॉग इसलिए नहीं आया था जी क्योंकि कल हम चले गए थे पूर्णिया, और पूर्णिया चले गए थे और वहाँ से जब आए तो अच्छा खासा थक गए थे। बाइक से ही गए हुए थे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा डिस्टेंस फील होने लग गया है क्योंकि बहुत दिनों बाद चलाए थे उस रूट में बाइक, तो इतना अच्छा खासा थक गए थे कि पूछिए मत। फिर उसके बाद जो हिम्मत नहीं हुई कि कुछ भी व्लॉग करे, कुछ भी एडिट करे। और कल हम गए हुए थे KGF देखने के लिए, KGF चैप्टर 2। तो बहुत ही अच्छी मूवी है जी, उम्मीद करते हैं आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा तो आपको भी अच्छा लगा होगा। कितनों ने देख लिया कमेंट करके बताइएगा नीचे। क्या हुआ? जिनको मूवी पसंद होगा देखना, हाँ उन्होंने देख लिया होगा, हमारे जैसे लोग नहीं देखे। हैवी मूवी, जबरदस्त, मजा आया था। बताइए पुष्पा कौन नहीं देखा होगा? जिसको भी मूवी पसंद है सब देखा होगा, हम नहीं देखे क्योंकि हमको पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, देख लेना, दिखा देंगे। आपको देखना ही नहीं है ना? अभी नहीं देखना है बस, बिल्कुल। अभी देखिएगी तो अंदर से भी पुष्पा निकलेगी। घर में बनना है जी चाय, लेकिन दूध का हो गया है शॉर्टेज, तो सीधा चलते हैं दुकान, वहाँ से खरीद करके लाते हैं। चलिए जी, ले लिया सारा सामान, साथ में यहाँ ले लिया हल्दीराम का भुजिया, अभी खाने में बड़ा जबरदस्त लगता है, तो ले लिया इसको, रख लो दूध साथ में ये भुजिया। मजा आ रहा था पकड़ने में, ठंडा क्या लगे? अच्छा, तुम्हारा लाल भी हो गया हाथ। हम तो कोना से पकड़े हुए थे ना, तुम सीधे बीच से पकड़ ली जी। अभी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे कुछ लगा हुआ है। जी हाँ, जिया लगा रही आज फेस पैक, जिया स्पेशल फेस पैक। तो फाइनली जी नहा करके हो गए हैं फ्रेश, अब इसके बाद लगते हैं अपने काम पर। मम्मी यहाँ पर सब्जी बनाने की अपना तैयारी कर रही है। आज लगता है आलू परवल बनेगा। आलू परवल का सब्जी या भुजिया बनेगा? अभी सोच रहे हैं प्याज डाल के बनाए या सूखा बनाए, अभी तक दिमाग में अब फाइनल नहीं हुआ। तो यहाँ दो शैतान बच्चे आ गए हैं। ये मेरी सबसे प्यारी है। कब जाना है फिर दिल्ली? कल। कल जा रही है? हाँ। रुक जाओ यहाँ दो तीन दिन। और कैसे रुके? कैसे रुके? पहले के लिए मैं रुक चुके बहुत दिनों से, मिलने की देर है। अच्छा, पापा को मिस कर रही है? इसको हम नहीं जाने देंगे, हम से यही रहेंगे। जी आप पूछ रही आइसक्रीम खाना है, बेचारे कुछ बोल ही नहीं रहे शर्म के। उन्होंने नीचे हो, ये लो खाओ खाओ। आज शाम से पहले आइसक्रीम। तो जी बात कर रही है जी हाँ नैंसी दीदी से, आप लोग नैंसी दीदी के बारे में पूछते रहते हैं उनका कैसा हाल है? दीदी को क्या हुआ, क्या हाल है? तो हमारी दीदी का भी हाल बहुत बढ़िया है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ नैंसी दीदी है वीडियो कॉल पर। तो कल दीदी का बेबी बॉय या बेबी गर्ल कुछ भी जो भी हो सब आने वाला है ना दीदी? दीदी आई है देखो। तो दीदी जा रही है कल डिलीवरी के लिए, तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। पीछे पीछे आते हैं हम भी आपके। लाइन में लगी हुई है जी आप। साथ का, लेकिन हमारा थोड़ा पहले हो गया, पहले हो गया, पहले बाजी मार दी थी। आने की ज्यादा जल्दी थी अभी। इसको लगता है कि अंदर में बहुत मजा आ रहा है। तो डर लग रहा है दीदी की एक्साइटमेंट किसका लेवल ऊपर है? मैं डर ही है। पूरा शक्ल से ही आप लोग को लग रहा है दीदी को डर बहुत ज्यादा लग रहा है, सबको लगता है। तो अभी निकल रहे जी मार्केट, मार्केट से जा करके कुछ खरीदना है। नैंसी दीदी ने कहा है कि खाजा लाने के लिए। नैंसी दीदी को खाजा बहुत अच्छा लगता है, उस साइड जो है दिल्ली में उसको खाजा मिल नहीं पाता, लेकिन अब सोच रहे हैं खाजा मिलेगा कहाँ अभी इस समय, क्योंकि ज्यादातर हम देखे वो सीजन के समय में ही मिलता है, जब जीतिया होता है, कोई भी पर्व होता है उस समय खाजा मार्केट में आ रहा होता है, जगह जगह बिक रहा होता है। इसके स्पंज मिलता है, पता नहीं होगा कि नहीं। तो नैंसी दीदी से फोन करके पूछ रही है, शायद नैंसी दीदी को पता हो यहाँ कौन सा दुकान है जहाँ से वो खाजा लेकर के गई थी। साथ में उसको यहाँ का मिक्सर भी बड़ा अच्छा लगता है, डालमोट, माला डालमोट बोलते हैं, तो वो लेकर के, वो तो मिल जाएगा बगल के दुकान में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जिया पूछती है, तो देखते हैं उनको शायद कोई पता हो अगर कोई दुकान, तो वहीं से हम लोग ले आएंगे। आदर्श में? आदर्श, 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 ठीक है, आदर्श से ले, ठीक है, देख लेते हैं। वहीं हनुमान जी आई है, नगद वहाँ से लेके भेजी है, सब्जी में कटहल। ये जी सालू से हमारी बहन है, जिन दोनों का आपने देखा था, आराध्या और अंशी का, उन्हीं की मम्मी, तो इनको जनों में भी आपको दिखाया था, तो ये अभी दिल्ली जा रही है। तो संवाद लेकर आई है, खाजा और दाल मुठ लाने। नहीं, अभी वीडियो कॉल पर बात की थी नैंसी दीदी से, तो हमको भी बोली।
अच्छा खैर जो अवस्था नैन्सी का भी है, नैन्सी का मैके से जाता है लोगों खाने वाने का सामान, तो जब एक बहन जा रही है तो मैके है थोड़ा कुछ भेज दे। बढ़िया हमको भी परसों मैसेज की थी। अच्छा सालू बता दो तुमको क्या चाहिए, उसे चाहिए। अंकल खाजा होगा 2 किलो दीजिएगा, अभी लीजिएगा। हाँ यहाँ पर हमें मिल गया है जी खाजा। अच्छा था जी, पहले दुकान पर आए जहाँ में अंदाजा था कि यहाँ मिल सकता है, यहीं पर आ गया और मिल गया। जब भी हम लोग के कोई भी पर्व होता है, जितिया या तीज कुछ भी, तो हम लोग यहीं से लेकर के जाते हैं। खाजा तो हमने ले लिया जी, अब आगे कुछ और सामान लेना है, चलिए चल करके लेते हैं। फल सब उठाना था हमें, फल में स्पेशली जैसा कि आप सभी जानते हैं तरबूज लेते हैं, तो वही लेने जा रहे हैं। चलिए भैया, कैसे है भुना हुआ चना का पैकेट? 60 रुपया दे दीजिए। तरबूज कैसे है भाई? 30 देखना भाई, 2 किलो 660 न। हाँ यूट्यूब चैनल है अपना। भैया कैसे है पपीता? ले लिया जी अब हमने सारा सामान, अब इसके बाद सीधा चलते हैं घर, समय भी ज्यादा हो गया है। कुछ सामान तो और भी बचा हुआ था लेकिन उन सबको लेने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन काम पर भी बैठना है इसलिए घर जाना पड़ेगा। जो भी बाकी सामान है कल सुबह ले लेंगे, कल सुबह चले जाएंगे म्युनिसिपल मार्केट, वहाँ पर सस्ता सामान सब मिलता है क्योंकि सारा फल सब्जी यही सब कुछ बाकी था। और अभी जिस कॉलोनी से हम लोग पास कर रहे हैं जी, इस कॉलोनी को कहा जाता है जजेज कॉलोनी, लगता है सामने बारात सब है। फाइनली जी घर पहुंच कर निपटा लिया अपना सारा काम, जिस काम के लिए काफी तेजी से दौड़ करके आए हुए थे, और नैन्सी दीदी का भी सारा सामान तो आ ही गया है। सीधा चलते ही अंदर थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा थकावट हो गया, इसलिए लगातार मैं 2.5 घंटे से अपने डेस्क से हिला नहीं हूँ, जाते हैं थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेते हैं। तो जी आप यहाँ पर देख सकते हैं हंसराज रघुवंशी का चल रहा है भजन, यहाँ पर हम भी इसका बहुत ज्यादा सुनते हैं जी। मेरा कह सकते हैं कि पसंदीदा गायक में से एक है, कीर्तन और भजन को तो एक नया ही रूप दे दिया है। पहले था तुमको इंटरेस्ट इसका सुनने में? हंसराज का नहीं सुनते थे और सबका सुनते थे। अच्छा वैसे तो हमको भजन सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। क्या बात है, रेंडमली गाड़ी में एक दिन लगा दिए थे फिर इसका सुने हम, क्या वो भाई साहब जबरदस्त का ना, वो राधे राधे वाला नहीं था, वो जबरदस्त था। इस गुड न्यूज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि कब दे रहे हैं गुड न्यूज। फैनली जी नैन्सी दीदी देने जा रही है गुड न्यूज, कल वह शायद एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में, कॉम्प्लिकेशन है तो उम्मीद करते हैं कि वो सारे कॉम्प्लिकेशन भगवान दूर करे, कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, दीदी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कहते हैं ना दुआ में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो आप सब मिलके इतना दुआ कीजिएगा ना, दीदी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, यूं सब कुछ हो जाए अच्छे से। हाँ जी, तो दीदी का नंबर जो है पहले लग गया है, उसके पीछे पीछे जो जिया का नंबर लगा हुआ, जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा था वीडियो में, नैन्सी दीदी को देख करके जो हम लोग भी एक अपने आप में जी रहे हैं कि इस तरह का समय हमारा भी आने वाला है। काश हम अभी दिल्ली में रहते तो नैन्सी दीदी के इस टाइम में उनके साथ जरूर रहते हम लोग। तो जी हमने सुन लिया भजन, अब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा बाहर घूम फिर लूं, के बाद फिर मैं कुछ काम करूंगी। तो इधर पतिदेव अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे इनका काम करने का एरिया है, इधर से उधर करते रहते हैं। यहाँ पर हमारा पर्सनल काम भी हो जाता है और यहाँ पर यूट्यूब का भी काम हो जाता है। हाँ कभी यहाँ काम करेंगे, कभी इस रूम में काम करेंगे, कभी इस रूम में काम करेंगे, मतलब घूमते रहते हैं चारों बगल, है ना। एक जगह काम नहीं होता है, एक जगह जैसे ही काम करते हैं बोर हो जाते हैं, उसे भी हम घूमकर लड़का है। अब बोर होने से ज्यादा ना इनको मच्छर काटने लगेगा ना, ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे कि वहाँ मच्छर काटेगा। मच्छर का खान है यहाँ पर। शाम का 5 बज जाए, 5 नहीं 6 बज जाए, जैसे अंधेरा हो जाता है उसके बाद जो है मच्छर आता है, पूछिए मत, भिन भिना के एक बार में आ जाएगा। इनको लगता है ना दूसरी जगह जाएंगे तो मच्छर नहीं काटेगा, लेकिन फिर वहाँ मच्छर काटता है, फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ दूध माँ रखी है क्या? डेडी रख गया है, बताते ना हमको, भूल गए हम, कोई बात नहीं। और एडिट हुआ आपका वीडियो? बस थोड़ा सा बाकी है। क्या लोग इतना इंतजार करते हैं आपकी वीडियो का और आप उतना ही गैप डाल के वीडियो डाल रहे हैं। बात सही है जी, हो क्या रहा है कि एक तो अपना पर्सनल काम रहता है, साथ में यह यूट्यूब है, और इसके अलावा जो है आप जिया का कंडीशन जानते हैं तो थोड़ी भागा दौड़ी कभी न कभी ज्यादा रहती है, इस वजह से ये ज्यादा एडिट नहीं कर पा रहे हैं ना। बिल्कुल जी ऐसा ही हो रहा है, और हमने चाहते हैं कि किसी भी दिन मिस हो, आप में से कई लोग इंतजार कर रहे होते हैं, जिस दिन भी ब्लॉग मिस हो जाता है इंस्टाग्राम पर मैसेज आने लग जाते हैं, उस दिन मैं रिप्लाई कर करके परेशान हो जाती हूं, सबका काम तो ये नहीं करते, रिप्लाई मुझे करना पड़ता है। हाँ जी, तो हम सोच रहे हैं कि एक एडिटर को रख लिया जाए, आप में से जो भी कटिहार से है, जो भी कटिहार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में या आपके जानने पहचाने वाले किसी को भी वीडियो एडिटिंग आती है, चाहे वो फिल्मोरा पर हो, चाहे फाइनल कट प्रो पर हो, चाहे वो काइन मास्टर ऐप पर ही हो, तो फिर आप लोग प्लीज अपना जो CV है यहाँ नीचे जो
हमने ईमेल आईडी दिया हुआ है kumarsasot810@gmail.com, आप वहां पर आ जाइए, 9 to 5 काम रहेगा और प्रॉपर घर जैसा माहौल रहेगा, आपको फील ही नहीं होगा कि यहां पर ऑफिस है, और जो सैलरी बनेगी वो सैलरी बिल्कुल ही, और आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। तो अब ऐसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और हाँ जी नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको। और आप में से कई लोग गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं, क्या पता कब आ जाए वो न्यूज, कब आ जाए वहाँ न्यूज और उसका ब्लॉग भी आ जाए, और आप लोग मिस कर दे तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा करके रखिएगा, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दीजिए, एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।